नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मिर्केश किचन में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बचे हुए चावल जो होते हैं उसकी रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं। तो बचे हुए चावल का हम नाश्ता एक बनाएंगे और एकदम न्यू रेसिपी है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। अक्सर चावल जो बच जाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप एक टेस्टी नाश्ता के रूप में कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज है लिया हुआ है। तो पहले प्याज हमने बारीक काट करके रख लिया है, मतलब साफ धुल करके। और इसके बाद इस प्याज में हम डाल देंगे नमक। तो नमक की जो मात्रा है आप लोग अपने स्वाद के हिसाब से, जितना प्याज उसी हिसाब से नमक डालिए, क्योंकि प्याज बहुत तेज गलता भी है तो नमक ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद जब हमने प्याज में नमक डाल दिया है, अब इसके बाद इन प्याज में हम नमक को मिला लेंगे। तो इस तरह से जो प्याज और नमक एक में मिला करके हम इसको रखेंगे, ढक करके 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो प्याज है ना स्मूथ हो जाए और पानी छोड़ दें, जिससे बनाने में आसानी हो। तो इसको देखिए हमने ढक दिया है, अब हम ढक करके कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे प्याज हैं मतलब गल गए हैं, यानी जो पानी छोड़ दिए हैं कि नहीं। तो अभी आप लोगों को मैं दिखा दे रहे हैं। तो देखिए ये जो प्याज है ना, पानी छोड़ दिया है। तो इस रेसिपी में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी प्याज के जो पानी से हम चावल जो बचे हुए हैं उनका नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से मसल लेंगे, और मसलेंगे तो एकदम ये पानी छोड़ देगा। तो इस तरह से पूरा अच्छे से मसल लेना है। और फ्रेंड्स, जब अच्छे से मसल जाएगा तो इसके बाद इसमें हम और सामग्री डालेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बचे हुए जो चावल हैं। तो ये जो चावल है सुबह को हमने बनाया था, शाम में रेसिपी बना रही हूँ। तो जो अक्सर चावल जो बच जाते हैं तो इसको देखिए फेंकिए ना, और इस तरह से इस नाश्ते को बना करके आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए इस चावल को अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ, आप लोग को देखो, देखिए चावल बचे हुए हैं। अब इसके बाद इन चावल को इस प्याज में मैं मिला लूँगी, इसमें पूरा प्याज मैं डाल दूँगी। तो इसमें पूरा प्याज और वैसे जो चावल है ना इसमें मिलेगा नहीं, तो इसको मैं एक थाली में निकाल ले रही हूँ। क्योंकि जो बचे हुए चावल और प्याज हैं थोड़ी मात्रा इसकी ज़्यादा है, मतलब जो बर्तन है उस हिसाब से ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें मिलेगा नहीं। तो इस बड़ी वाली थाली में अच्छे से मिलाने में आसानी होगा। इन चावल और प्याज को देखिए हमने एक थाली में निकाल लिया है। अब इनको एक साथ अच्छे से मिला लेना है इस तरह से। अब देखिए जो प्याज का पानी है उसी से चावल मिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए हमने मिला लिया है। अब इसमें फ्रेंड्स हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा, साथ में फ्रेंड्स इसमें डालेंगे साबुत जीरा है। इसके बाद डाल देंगे इसमें आधे चम्मच हल्दी पाउडर, एक पिंच हींग डाल देंगे, पचने में सहायक होता है तो हींग की मात्रा इसमें थोड़ी ज़रूर डालनी चाहिए। इसके बाद देखिए अमचूर पाउडर है थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए, और इस स्वाद अनुसार नमक है। तो नमक हमने पहले भी डाल दिया था, तो इसीलिए थोड़ी सी नमक हम कम ही डालेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे। आप लोग ध्यान से अपने हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। इसके बाद थोड़ी बाइंड के लिए हम डाल देंगे बेसन, 2 बड़ी चम्मच हमने बेसन अभी इसमें डाल दिया है। और जो प्याज का पानी उसी पानी से इसको इसमें मिक्स करना है, बाहर से पानी बिल्कुल नहीं लेना है, और कोई भी मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चाहें तो मसाले का इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से देखिए सबको मिला लिया है बिना पानी का, और ये प्याज का पानी उसी पानी से हमने मिक्स करके इसको रख लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो हमने घर पे ही दरदरा कूट लिया है, उसको इसमें डाल दिया। अब इन सबको भी इसमें हम मिला लेंगे। आप लोग पहले भी इसको मिला सकते हैं, मेरे ध्यान से हट गया था तो मैं इसको बाद में मिला रही हूँ, आप लोग इसको पहले भी मिला सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमने मिला लिया है, और इस तरह से पकौड़ियाँ बना करके फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से थोड़े चपटे में कर लेंगे, जिससे सीखने में आसानी होती। इधर हमने तेल भी गर्म कर लिया है, और तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए तभी पकौड़ियों को फ्राई करना है।
वरना जो पकौड़ियाँ हैं ना तेल पी लेंगी तो पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, करारी नहीं बनेंगी। तो एक पकौड़ी हमने डाल करके देख लिया है कि तेल अच्छे से गर्म है कि नहीं। तो आप लोग देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म है, ये जो पकौड़ी हमने डाला है अच्छे से सिक गया है। तो अब हम सभी पकौड़ियों को एक एक करके इस तेल में डालते जाएंगे। और जब तेल में पकौड़ियाँ डालेंगे तो जो गैस का फ्लेम है मतलब कम नहीं करना है, हाई ही रखेंगे, जिससे कि जो तेल का टेम्परेचर है डाउन ना हो। जब तेल का टेम्परेचर डाउन जाएगा तो जो पकौड़ियाँ हैं तेल पी लेंगी और अच्छी नहीं बनेंगी। इसीलिए हम अभी फ्लेम हाई ही करेंगे। जब सभी पकौड़ियों को डाल देंगे उसके बाद जो गैस का फ्लेम है मीडियम कर देंगे, तब धीरे धीरे सीखेगा और यह करारी खस्ती और मतलब अच्छी पकौड़ी बनेगी। तो देखिए हमने सभी को डाल दिया, अब हमने जो गैस का फ्लेम है ना मीडियम कर दिया है। अब इसके बाद इसमें धीरे धीरे फ्राई करेंगे और पूरा अंदर से जो सीख जाए। तो देखिए हमें उलट पलट करके अच्छे से सेक लेना है और ये हमारी मस्त पकौड़ी चावल के मतलब चावल का बन करके तैयार है, यानी बचे हुए चावल हैं उसकी पकौड़ी देखिए अच्छे से बन गई है। कितनी ही करारी खस्ती बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, अगर जब चावल बच जाए तो इसका आप लोग एक बार ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए हमने इस तरह से इन पकौड़ियों को निकाल लिया है, तो ऐसे ही सभी पकौड़ियों को इसमें डालेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इसको अब हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं, जो बचे हुए तेल हैं इसमें हम और पकौड़ियाँ डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये पकौड़ी आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है, और आप लोग जब बना के खाएंगे तो ये भी बताइएगा कि खाने में कैसी लगी है। तो देखिए इस पकौड़ियों को हमने बना करके फ्राई कर लिया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब तक आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।